सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीथिंग एडिटर। तो फिर से एक न्यू वीडियो के साथ मैं आ गया। और आज हनीनोर का बर्थडे है, तो उसका बर्थडे का पिक बनाऊंगा। देखो ये पिक मैं आज एडिट करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा लगा, रियलिस्टिक लग रहा है सेल्फी वाला पोज। तो इसको मैं आज एडिट कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर रहा हूँ मैं कैसे एडिट कर रहा हूँ। तो इसके लिए तो पहले पिक्सआर्ट ऐप में चले जाना है यार। पिक्सआर्ट को ओपन कर लो। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद नीचे प्लस का आइकॉन है, प्लस पे क्लिक करो। प्लस पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड जो है उसको ऐड कर लूँगा। तो बैकग्राउंड, ये रहा बैकग्राउंड, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड ऐड करने के बाद अपने फ़ोटो को ऐड करना है। तो अपने फ़ोटो को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड फोटो में जाना है यार। ऐड फोटो में जाने के बाद अपना कटआउट ऐड कर लेना। और एक बात, अगर कटआउट बनाना नहीं आता तो उसका भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करके रख दिया हूँ, तो जाके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। तो कोई बात नहीं, अब मैंने कटआउट ऐड कर लिया। कटआउट ऐड करने के बाद ठीक से इसको एडजस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से, जैसे कि रियलिस्टिक लगे। तो कटआउट ऐड करने के बाद कुछ नहीं करना, टूल्स में चले जाना। टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है। टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाने के बाद उसको लाइटिंग और कुछ कुछ एडजस्ट कर लेना अपने फ़ोटो के हिसाब से। तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने फ़ोटो के हिसाब से। और इसको एडजस्ट करने के बाद और कुछ नहीं करना, इसको डायरेक्ट ड्रॉ रोल में जाके सेव कर लेना। और कहीं से मत करना, रोटूल में करना, इसमें क्वालिटी अच्छा आता है। इसमें क्लिक करो और यहाँ पर ऐप सेव इमेज में जाके कि इसको सेव कर लेना। और सेव करने के बाद अपने फ़ोन इंस्टाग्राम पे चले जाना है। इंस्टाग्राम ऐप जो है, इंस्टाग्राम ऐप में चले जाना है। तो इंस्टाग्राम में आने के बाद आप जैसे आप स्टोरी हट करते हो प्लस के आइकॉन से, ऐसे ही प्लस के आइकन पे क्लिक करो और स्टोरी पे टैप करो। स्टोरी पे टैप करने के बाद जो फोटो आपने पिक्सआर्ट से अभी एडिट किया उसको ले लो। पिक्सआर्ट से जो फोटो मैंने एडिट किया था उसको लेने के बाद एक फिल्टर ऐड करना है। तो कौन सा फिल्टर है मैं बता देता हूँ। उस पर टैप करो और फिल्टर आ जाएगा। फिल्टर को देख लो कौन सा फिल्टर मैं यूज कर रहा हूँ। ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, आपको ये वाला ना, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं। रुको, कौन सा, यहाँ ये वाला ऐड कर लेना है। ये वाला फिल्टर ऐड कर लेना है तो फोटो पूरा रियलिस्टिक लगेगा और दोनों का फेस भी मैच हो रहा है पूरा तरीके से। तो आप इस फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया, पूरा रियलिस्टिक लग रहा है, कोई बात नहीं। और इस वीडियो तो आप कंप्लीट, और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना और सब चैनल को नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।